नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बिहार में बिहार विधानसभा में कल बजट पेश किया गया और बजट जो है वो बहालियों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। आपको बता दें कि 2,60,000 से अधिक बहाली को लेकर बजट में प्रावधान किए गए। सबसे अधिक बहाली शिक्षक यानी शिक्षा विभाग के द्वारा होगा, उसके बाद गृह विभाग, पुलिसकर्मियों की बहाली सबसे अधिक होगी। आपको बता दें कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया है कि बिहार में अभी पुलिसकर्मियों की संख्या 1,10,000 है और इसे एक सालों में बढ़ाकर 2,28,000 करना है। यानी कि एक सालों में 1,18,000 पुलिसकर्मियों की बहाली करनी है, जिसमें 21,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली का सिलसिला चल रहा है। और वही बात करें अगर हम तो आज के हिंदुस्तान पेपर में ये दिया गया है कि 67,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली इस वर्ष होनी है। आपको बता दें कि 26 या 27 दिसंबर 2022 को बिहार कैबिनेट के द्वारा लगभग 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर अपनी अनुमति दी गई थी कि आप बहाली 2023 में करें। लेकिन आपको हम बता दें कि 2023 में एक भी पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हो पाई। दिसंबर 2022 में तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला, जुलाई में सिपाहियों के लिए फॉर्म निकला, दरोगा के लिए अभी तक का सबसे कम सीटों के लिए परीक्षा हुआ, 1285 के लिए जो है परीक्षा लिया गया और उसका मेंस जो है अभी इस फरवरी में ही होना है। तो कहा जाए तो 2022 में जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया, 2023 में एक भी पुलिसकर्मियों की बहाली नहीं हो सकी। और देखिए 21,000 सिपाहियों की बहाली की जो बातें कही जा रही है उसको लेकर परीक्षा लिया गया 1 अक्टूबर को, लेकिन शायद ही इतना बड़ा पेपर लीक देश में कभी हुआ हो। 74 FIR दर्ज हुए, 200 के आसपास लोग पकड़े गए और सबसे बड़ा जांच टीम का गठन किया गया। सबसे बड़ा कार्रवाई भी कहा जाता है कि उसी के चलते हुआ कि CSVC के चेयरमैन को हटाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन कहां से वायरल हुआ, किस जगह पर लीकेज था, ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बता दें आपको फिर एक झुंझुना दे दिया गया है कि 1,00,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। और हर एक साल ऐसा ही होता है, हर एक साल ऐसा ही होता है कि बहालियां जो हैं वो समय से नहीं हो पाती है और उसे जो है अगले बजट में जोड़ के फिर उसे लोक लुभावना बना दिया जाता है। शिक्षक बहाली इस साल होने वाली है, TRE 3 TRE 4 अच्छी खासी संख्या हो सकती है, लेकिन उसको भी लेकर छात्रों का ये आरोप रहता है कि एक ही कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है और नए कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह बता दें आपको हम कि BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लगभग 12,000 द्वितीय इंटर स्तरीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कराया गया है। 18 फरवरी तक जो है एडिटिंग का मौका दिया गया है और इसकी भी भर्ती प्रक्रिया जून जुलाई में, PT परीक्षा जुलाई अगस्त में होने की संभावनाएं दिख रही है। तो कहा जाए तो बिहार में कल बजट पेश किया गया और शिक्षक के बाद पुलिस विभाग में सबसे अधिक नौकरियों का दावा किया गया है। लेकिन जो चाल है या पुलिस विभाग में परीक्षा कराने का या फिर जो पारदर्शिता और पेपर लीक जो समस्या है उसके कारण ये अपने निर्धारित समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। और हर एक साल बजट में ये बताया जाता है कि इतने पुलिसकर्मियों की बहाली होगी, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि हम इतने दिनों में ये बहाली पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि इस साल भी बहालियों को लेकर नवंबर में ही बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने ये घोषणा कर रखा था कि लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों की बहाली हम करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया था कि दरोगा के कितने पोस्ट होंगे, सिपाही के कितने होंगे, ड्राइवर के कितने होंगे, सब कुछ बताया गया था। लेकिन उसके बाद बता दें आज समाचार पत्रों में भी दिया गया है कि पुलिस के क्षेत्र में लंबी चौड़ी बहाली होगी, लेकिन बहाली की रफ्तार क्या होगी इसके बारे में तुमसे चर्चा नहीं किया गया है, कितनी जल्दी होगी इसके बारे में नहीं कहा गया। और आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल सिपाहियों का 21,391 पद पर बहाली ही सुनिश्चित हो जाए वही काफी है।
यानी कहने का मतलब है कि 21,391 जो सिपाहियों का मामला चल रहा है वही इस साल बहाली पूरा हो जाए अच्छे तरीके से, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आगे की बहालियों का तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।